विश्वामित्र के जन्म की कथा और उनके पुत्रों के नाम। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि तीनों वर्ण के मनुष्यों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है, तो महात्मा विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण कैसे हो गए? मैं इस बात को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, पूर्व काल में विश्वामित्र जी क्षत्रिय होकर भी जिस प्रकार ब्राह्मण तथा ब्रह्म ऋषि हुए, उस प्रसंग को तुम यथार्थ रूप से सुनो। भरत वंश में एक अजमीढ़ नामक राजा हुए, उनके पुत्र महाराज जहनू थे, जिन्होंने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया था। जहनू का पुत्र सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का पुत्र बलाकश्व था। उससे वल्लभ का जन्म हुआ, जो साक्षात द्वितीय धर्म के समान था। उसके इंद्र के समान कांतिमान एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुशिक था। कुशिक के पुत्र महाराज गाधी हुए, उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे संतान की इच्छा से वन में रहकर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। वहां यज्ञ से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जो इस पृथ्वी पर अनुपम सुंदरी थी। उस समय चैवन के पुत्र विख्यात तपस्वी ऋचित मुनि ने राजा से उस कन्या के लिए याचना की। तब राजा गाधी ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे शुल्क रूप में 1000 ऐसे घोड़े ला दीजिए, जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हों, तथा जिनके एक कान श्याम रंग के हों। यह सुनकर चैवन पुत्र ऋचिक मुनि ने जल के स्वामी अदिति नंदन वरुण के पास जाकर कहा, देवश्रेष्ठ, मैं आपसे श्याम रंग के एक कान वाले, चंद्रमा के समान कांतिमान तथा वायु के समान वेगवान 1000 घोड़ों की भिक्षा मांगता हूँ। वरुण ने कहा, बहुत अच्छा, आपकी जहाँ इच्छा होगी, वहीं इस तरह के घोड़े प्रकट हो जाएंगे। तत्पश्चात ऋचिक ने एक स्थान पर आकर घोड़ों के लिए चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही चंद्रमा के समान कांतिमान 1000 तेजस्वी घोड़े गंगा के जल से प्रकट हो गए। गंगा का वह उत्तम तट कन्नौज के पास ही है। वह स्थान आज भी लोगों में अश्वतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर ऋचिक ने प्रसन्न होकर वे घोड़े राजा गाधी को कन्या के शुल्क रूप में अर्पण कर दिए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने शाप के भय से अपनी कन्या को वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके उसका ऋचिक मुनि के साथ ब्याह कर दिया। ब्रह्म ऋषि ने उस कन्या का विधिवत पाणि ग्रहण किया तथा वह कन्या भी उन्हें पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। सत्यवती के बर्ताव से ऋचिक मुनि को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की। राजकन्या ने वह सारा समाचार अपनी माता से कहा। यह सुनकर उसकी माता बोली, बेटी, तुम्हारे पति को मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। उनसे कहो, वे मुझे भी पुत्र प्रदान करें, क्योंकि उनकी तपस्या बहुत बड़ी है, वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। माता की आज्ञा पाकर सत्यवती तुरंत पति के पास गई और उसकी कही हुई बात उसने उनसे निवेदन कर दी। उसकी माता का अभिप्राय जानकर ऋचिक ने सत्यवती से कहा, प्रिय, मेरी कृपा से तुम्हारी माता को भी शीघ्र ही एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा प्रेम पूर्ण अनुरोध निष्फल नहीं जाएगा। तुम्हारे गर्भ से भी एक गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा, जिससे हमारी वंश परंपरा चलेगी। तुम्हारी माता ऋतु स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष का आलिंगन करे और तुम गूलर के वृक्ष का। इससे तुम दोनों को पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम लोगों के लिए मैंने ये दो मंत्र पूत चरु तैयार किए हैं। इनमें से एक तो तुम खा लेना
और दूसरा अपनी माँ को खिला देना। ऐसा करने से तुम दोनों के पुत्र होंगे। यह सुनकर सत्यवती को बड़ा हर्ष हुआ। उसने ऋचिक मुनि की कही हुई सारी बातें अपनी माता को सुना दी और उन दोनों चरुओं की भी चर्चा की। तब उसकी माता ने कहा, बेटी, तुम्हारे स्वामी ने मंत्र से अभिमंत्रित करके जो चरु तुम्हारे लिए दिया है, वह तो मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो। इस प्रकार हम लोग वृक्षों में भी अदल बदल कर लें। मैं तुम्हारी माँ हूँ। यदि मेरी बात मानने के योग्य समझो, तो ऐसा ही करो। इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया और उन दोनों के गर्भ रह गया। महर्षि ऋचिक ने जब गर्भवती सत्यवती की ओर दृष्टिपात किया, तो उनके मन में बड़ा खेद हुआ और वे उससे कहने लगे, शुभे, जान पड़ता है तुम लोगों ने चरु और वृक्षों को बदल कर उनका उपयोग किया है। मैंने तुम्हारे चरु में संपूर्ण ब्रह्म तेज का सन्निवेश किया था और तुम्हारी माता के चरु में समस्त क्षत्रियोचित शक्ति की स्थापना की थी। मैंने यह सोचा था कि तुम्हारे गर्भ से त्रिभुवन में विख्यात गुणों वाला ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा और तुम्हारी माँ एक विशिष्ट क्षत्रिय को जन्म देगी, किंतु तुम लोगों की अदला बदली के कारण तुम्हारी माता के गर्भ से तो उत्तम ब्राह्मण उत्पन्न होगा और तुम कठोर कर्म करने वाले क्षत्रिय को जन्म दोगी। माता के स्नेह में पड़कर तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। पति की बात सुनकर सत्यवती शोक से संतप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ, तो वह स्वामी के चरणों में सिर रखकर बोली, ब्रह्मऋषि, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको प्रसन्न रखना चाहती हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा पुत्र क्षत्रिय न हो। मेरे पुत्र का पुत्र भले ही कठोर कर्म करने वाला हो जाए, परंतु मेरा पुत्र ऐसा ना हो। मुझे यही वर दीजिए। तब उन महातपस्वी ने अपनी भार्या से कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। तदनंतर सत्यवती ने जमदग्नि नामक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया और राजा गाधी की यशस्विनी पत्नी ने ऋचिक मुनि की कृपा से ब्रह्मवादी विश्वामित्र को जन्म दिया। इसी से महातपस्वी विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए और क्षत्रिय होकर भी उन्होंने ब्राह्मण वंश की परंपरा चलाई। उनके पुत्र बड़े तपस्वी ब्रह्मवेता ब्राह्मण वंश को बढ़ाने वाले और गोत्र के प्रवर्तक थे। मधुच्छंदा, देवरात, अक्षीण, शकुंत, भब्रू, कालपत, याज्ञवल्क्य, स्थूण, उल्लूक, यमदूत, सैंधवायन, वल्गुजंघ, गालव, वज्र, सालंकायन, लीलाढ्य, नारद, कूर्चामुख, वादुली, मूसल, वक्षोग्रीव, आंग्रिक, शिलायुप, शित, शुचि, चक्रक, मारुतंतव्य, वातघ्न, आश्वलायन, श्यामायन, गार्ग्य, जाबाली, सुश्रुत, कारिषी, संश्रुत्य, पर, पौरव, तंतु, कपिल, ताडकायन, उपगहन, आसुरायन, मार्दमर्षि, हिरण्याक्ष, जंगारी, बाब्रवायनी, भूति, विभूति, सूत, सुरकृत, अराली, नाचिक, चांपेय, उज्जयन, नवतंतु, बकनक, सेयन, यति, अंभोरुह, चारुमत्स्य, श्रीऋषि, गार्दभी, उर्जयोनी, उदापेक्षी और नारदी, ये सब ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे और विश्वामित्र जी यद्यपि क्षत्रिय थे, तथापि ऋचिक मुनि ने उनमें ब्रह्म तेज का आधान किया था। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुमसे सोम, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विश्वामित्र जी के जन्म की कथा यथार्थ रूप से बतलाई है।